जनपद संभल की चंदौसी में पंजाब नेशनल बैंक के आगरा जोन के महाप्रबंधक ने दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुई मुरादाबाद गेट शाखा का फीता काट कर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि आज जनपद संभल की चंदौसी में मुरादाबाद गेट में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा गौशाला रोड पर मिलक के मंदिर के पास शिफ्ट हो गई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आगरा से महाप्रबंधक सत्यवान ओलान पहुंचे और उन्होंने फीता काट कर शाखा का शुभारंभ किया। इस विषय में महाप्रबंधक सत्यवान ओलान ने बताया कि जहां पर पहले शाखा संचालित हो रही थी वहां के स्वामी ने जगह खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद शाखा को यहां शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि कोरोना महामारी के चलते बुजुर्गों को डोर टू डोर की सुविधा दी जाए। ये एक अच्छा ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब कोई भी नई पुरानी प्रीमिसिस को खाली करके नई प्रीमिसिस में आते हैं तो उसको शिफ्टिंग के टाइम एक अच्छी कोशिश होती है कि पब्लिक को बताएं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो कि हमारा नई प्रीमिसिस का उद्घाटन कर, इस यही पर्पज होता है इसके पीछे। तो जैसे कि अपनी शाखा मुरादाबाद गेट चंदौसी में चल रही थी वहाँ से यहाँ शिफ्ट की गई है, तो उसकी कोई वजह रही क्या? ना वो तो लैंडलॉर्ड ने खाली करवाया ना हमारे से प्रीमिसिस, लैंडलॉर्ड ने कहा कि भाई मैं आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो हमने शिफ्ट करी। सर पीएनबी बैंक ग्राहकों के लिए कुछ संदेश देंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि ग्राहकों के लिए एक तो कम से कम जो एक कोरोना चल रहा है इसके दौरान सभी खासकर स्टाफ के लिए, खासकर मैं कहूँगा कि भाई हमारा स्टाफ किसी भी तरह के एटीट्यूड या कोऑपरेटिव नेचर से काम करे और ग्राहक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दी जा सके। इवन डोर स्टेप बैंकिंग भी हमारी चल रही है, बुजुर्ग या उनको पेंशन के लिए या जो आ नहीं सकते उनके लिए डोर स्टेप पर भी हम उनको सेवा देंगे।